तेरी माया तू ही जान, मेरी माया घना घोर, घना घोर चा, ओ घना घोर चा। अरे वाह, तो ये देखो मिलजुल के बनाया जा रही है भाई। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सब्जी बन के तैयार हो गई है। दिल्ली वाली भाभियाँ भी लगी हैं, ये देखो दिल्ली वाली भाभी। आप दिल्ली वाली दीदी भी हमारी। तो ये अब अगला ब्लॉग बनने जा रहा है। बाकी आपको मैंने बता ही रखा है कि शादी वाले भी काफ़ी सारे ब्लॉग आने वाले हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ, शाम को ठीक बज चुके हैं, 5 बजने वाले हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ कीर्तन में। बाकी कीर्तन वाले भी सारे गांव वाले आ ही गए हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं कीर्तन में। बाकी फिर शाम को मेहंदी भी है, तो मेहंदी भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं कीर्तन में, तो बने रहेगा आप लोग भी ब्लॉग में। बाकी ब्लॉग का भी आनंद लीजिए। ब्लॉग पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो अंकुश। तो चलिए भाई, हम पहुंच चुके हैं कीर्तनों में। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बाकी अभी हो रहे हैं स्टार्ट। पहुंच गए वा? बाकी इधर भी बनाई जा रही है चाय। चाय धरी ना चाचा जी? चलो यहाँ पर चाय भी बन रही है, चाचा जी बना रहे हैं चाय को। बाकी इधर भी बैठ रखे हैं गांव के सभी। राम राम जी, राम राम। क्या क्या हो रहा है अब, क्या क्या काम हो रहा है? अच्छा चाय यहाँ पर बन रही है, मैंने सोचा वहाँ पे बन रही है। यहाँ पर भी थोड़ा गर्म पानी पिलाएंगे। अच्छा चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर चाय भी रख दी गई है, ये देखिए। तभी खाली गर्म पानी करने के लिए रखा है। अभी चाय बच्चे कुछ नहीं डर ले है ना। बाकी अब सारे गांव वाले आने पे ही लगे हैं, कुछ कुछ लोग आ भी गए हैं, अधिकतर लोग तो पहुंच गए हैं। बाकी दूल्हे के आधे दोस्त लोग ऊपर छत पे भी बैठ रखे हैं, ये देखिए। तो हर कोई मस्त है अपनी अपनी यारी दोस्ती में, तो शादी में कुछ ऐसा ही होता है। I'm not afraid to die.
फाइनली यहाँ पर हमें दूल्हे फिर से मिल चुका है। दूल्हा ये रहा संदीप। कैसा लग रहा है संदीप? वैसे अच्छा भी लग रहा है, बेकार भी लग रहा है। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा क्यों और बेकार क्यों ये तो बता दो। बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। अच्छा अच्छा इसलिए लग रहा है कि मेरा प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए लग रहा है। अच्छा चलो बढ़िया है। बाकी यहाँ पर उसका दोस्त भी आ रखा है सागर। आपको कैसा लग रहा है? अगला नंबर आपका ही होने वाला है। पहले तो Yeah.
हेलो कैसे हो? खाएंगे खाएंगे भी खाएंगे। गीता दीदी तब आराम आराम गीता दीदी राम आराम में जाऊँ तब मिली है यहाँ पर गीता दीदी से, तो गीता दीदी भी तैयार हो रही है दर्शकों से मिलने के लिए। हेलो हाय कैसे हो? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हो? बढ़िया है। और क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं हो रहा है, संदीप भैया की शादी के फंक्शन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा शादी की तैयारी शुरू, कल हल्दी हाथ है, बांधे तो बांधो में मिलोगे आप है ना? कहाँ जाना है? निगेड़ बिजी ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मतलब मिसिंग रहोगे कल आप, बस शाम को मिल जाओगे, नहीं तो शाम को तो पक्का मिलूंगी। हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ हाँ बजरंग बली की बहुत बड़ी फैन हो आप? अच्छा बाकी यहाँ पर सीमा दीदी भी ये रही, सीमा दीदी भी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी इधर भोग लगने लग गया है अब माता रानी को। आप हम नहीं बोला थैंक यू हम धनी दिया तुम ना आप बोलेंगे हम थैंक यू ये बोल हमारे बांटो मेरे पे काट गए मेरे लगा दिया मेरे पे काट गए ये खा ले चलो ये आ जा बड़ू ना दौड़ जुआ अरे यार माँ पड़ता पड़ता तो चलिए अब खाना भी खाते हैं। यहाँ पर खाना भी बन के तैयार हो चुका है, चाचा जी लोग भी पहुँच गए हैं, बाकी चलो खाना तैयार हो चुका है। भैया जी लोग भी लगे हैं काम पे भाई, बाकी इधर साइड को बनाए जा रहे हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, ये देखो जो कि बन के तैयार हो गई है, तंदूरी रोटी तंदूरी रोटी है, चूल्हे की रोटी भाई, गर्मा गर्म रोटियाँ। ये देखो भाभी जी लोग लगे हैं भाई, मुन्नी दीदी भी लगी है, मोटी मोटी गोली बनाने में, गोली देखी हुई की चंपा है ना पार पतली पतली है। चलो ठीक है छुट्टियाड़ आयु तिर बनाओ नमी सी जरा गोल गोल तेरी माया तू ही जान, तेरी माया तू ही जान, मेरी माया घना घोर चा ओ घना घोर चा, कब देखोलू बेटोलू कब देखोलू बेटोलू, इकी चिरटन इकी सोर चा ओ वाह। चाची भाई चल गया कि कथा देखी गा तब यू अरे भाई फेल बार मेरे को जानते हैं चल गया ही मैं तो गया नहीं हूँ हैं क्या कारण लगा दिया मैं तुम्हें पता था कि तुम इन टांग खाएंगे मेरे। अच्छा और मौसी जी लगे हो? ये देखो भाई फुल्की फुल्की बन रही है, भाभी जी लोग भी लगे हैं, दिल्ली वाली भाभी जी भी आ रखे हैं भाई।
क्या बना चाहो मौसी? अरे रोटी भी बढ़िया बना रहे हैं भाई, ये देखो भाभी जी तो गोला गोल। किसकी जैसी? मैं? अरे किरण भाभी जी, ये देखो भाई किरण भाभी जी ने भी बना दी है गोल गोल रोटियाँ। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी रोटी बना रहे हो। बाकी मौसी जी चाची जी लोग भी लगे हैं। चाची ठीक ठाक? चलो बढ़िया है। बाकी ये देखो साहिल काका सोचम पुर तू। अरे वाह, तो ये देखो मिलजुल के बनाया जा रही है भाई। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सब्जी बन के तैयार हो गई है। दिल्ली वाली भाभियाँ भी लगी हैं, ये देखो दिल्ली वाली भाभी। हाँ दिल्ली वाली दीदी भी हमारी जो कि हमारे ब्लॉग देखते रहते हैं, है ना दीदी? बाकी गायक चाची भी है यहाँ पर। अरे ना ना ना। बाकी अमन की मम्मी जी भी लगे हैं यहाँ पर भाई, ये देखो अमन की मम्मी गोल गोल रोटी। अरे अरे खेला क्यों हो सा? निकारा भाई यहाँ पर हमारे डिंपल भैया भी लगे हैं। ये क्या है? दाल दाल। अरे दाल और ये है पुलाव। पुलाव तो दाल पुलाव तो भैया लोग भी लगे हैं काम पे भाई। आज ही आए और आज ही लग भी गए काम पे, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है पहाड़ों की शादियों में है। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लग रहा ना। चलो बढ़िया। आपको भैया? मुझे तो वैसे ही बचपन से ही बढ़िया लगता है। हाँ ठीक है, मैं गाँव आ रखा हूँ। नहीं लग रहा? नहीं। और ये इनसे भी मिले आप? ये कौन है, इनको जानते हो? बिल्कुल। कौन है ये? ये हमारी दादी लगती है। हाँ गाने कैसे लगे इनके? और क्या है कि हम, मैं रात को जैसे ऑफिस से 12 तो मैं फिर भी आपके ब्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों का। चाची लोगों को भी देखा करो भाई। है कपल खाल, कपल खाल वहाँ पे बैठ के कभी खेत में बैठ के लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। सही कहा आपने। चलो अब खाते हैं खाना। तो यहाँ पर मनीषा ने भी लगा दी है मेहंदी, ये देखिए। बाकी इस वाले हाथ पे मैंने लगाई थी, ये रही। बाकी धन माधुरी की मम्मी के हाथ पे भी लग रही है मेहंदी, लगा रही है हमारी। तो फीकू प्यार तो फीकू प्यार। अरे कन भाने लगा एक जगह। पापा नाम भी लिख दे ना कम जरा, मुख्य पापा नाम क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? खाली देवी का भी लाया पुआरम। ये मम्मी, ये बिटी, जरा लगा दे दी। दीदी, ये पुत्र दीदी। अरे लगा रहे, बहुत बहुत प्यार करती। गुरेडो से
तो यहाँ देखेंगे आप, कितनी भयंकर वाली भीड़ हो गई है फोटो खिंचाने के लिए। हमने तो खींच दी है, बाकी कैमरामैन भैया भी परेशान हो गए हैं। ये देखो, अरे इधर नहीं देखो यार। बाकी यहाँ पर भी लगाई जा रही है मेहंदी, ये देखिए कशिश ने लगा दी है खूबसूरत सी मेहंदी। मौसी को भी देखो, मौसी जी ने भी यहाँ काफी सारे फूल पेड़ पौधे बना दिए है, काफी सुंदर सुंदर। बाकी इधर फोटो शूट चल ही रहा है, अब हम भी निकलते हैं टाइम से। मानू।